हमारी रहीम बेटा, आज हमारा 52nd लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मी, जेम्नोस्पर्मिक लाइफ साइकिल। जेम्नोस्पर्म बेसिकली जो ग्रुप है प्लांट्स का, ट्रैकियोफाइट्स, उसमें दो तरह के जो क्लासेस हैं, क्लास जेम्नोस्पर्मी एंड क्लास एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये मेजर तीन ग्रुपों में से एक का कल हमने लाइफ साइकिल पढ़ लिया था और एक का हमने आज पढ़ेंगे और एक का इसकी अगली क्लास फॉरी जो अभी आएगी। तो उसमें जेम्नोस्पर्मिक ये वो है, इनको हम कहते हैं बेयर सीडेड प्लांट्स, यानी कि इनके अंदर फूल नहीं लगते, फल भी पैदा नहीं होते पर बीज होते हैं। सही है, तो हम कहेंगे ये बेयर सीडेड हैं, यानी इनकी नो फूल एंड फल पर बीज पैदा करने वाले प्लांट्स हैं। सही है, इनकी जो एग्जांपल है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है, दैट इज़ पाइनस सिल्वेस्ट्रस। ये वो पौधा है जो कि जब आप कभी जाते हैं, इसके ऊपर कॉन्स लगती हैं ब्राउन कलर की। मेरे पास अभी टाइम नहीं था वरना मैं ले के आ जाता। तो वो नीचे एक कोन होती है बड़े बड़े साइज़ की, वो लोग अक्सर उसको पेंट शेंट करके तो अपने घरों में गुलदान के तौर पर भी लगाते हैं। और इसके ऊपर मेल कॉन्स होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं, जो फीमेल कॉन्स होती हैं नीचे लगती हैं। ये दरख्त है ना, तो इसके ऊपर वाली साइड पे मेल कॉन्स लगती हैं, ऊपर वाली शाखों पे जो नीचे वाली शाखें हैं उस पे फीमेल कॉन्स लगती हैं। और वो ये साइज़ में बड़ी होती हैं फीमेल कॉन्स, मेल कॉन्स ऊपर होती हैं, वो साइज़ में बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये आपको अंदाज़ा आ गया कि ये क्या सीन है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। याद है, इसको लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले आपको जनरल सी बात पता है, दैट इज एक होती है स्पोरोफाइट। मैं जानबूझ के इसको बार बार बनाता हूं कि आपको ये याद रह जाए। तो ये क्या करती है, मियोसिस, उससे क्या बनाती है स्पोर्स। स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। अब वो आप लिखा हुआ है ये दोनों दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो आप फर्ज किया इसको कह दें, ऐसे कह दें स्पोर्स, तो ये आप लिख दें जी के ऐसे लिख दें। चलो अब ये आसान है कि जी ये मेल स्पोर्स हैं और ये फीमेल स्पोर्स। मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स दोनों जब जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेल गैमिटोफाइट, और ये क्या बनाएंगे, फीमेल गैमिटोफाइट। ये जनरेशन आपको पता है ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये स्पोर खुद भी हैप्लॉइड थे। तो ये सारी बात, असल में हमने ये बात पढ़ी हुई इसलिए मैं स्पीडीली इसको बता रहा हूँ। ये गैमेटोफाइट जनरेशन क्या बनाएगी, माइटोसिस के जरिए स्पर्म्स, यानी या स्पर्म्स अच्छा लफ्ज नहीं, हम कहेंगे मेल गैमेट्स, क्योंकि स्पेसिफिकली हम इनको स्पर्म कह नहीं सकते, किसी में इनका नाम एंथ्रोजॉइड होएगा, किसी में इनका नाम स्पर्म्स भी हो सकता है। तो इसी तरह ये हो जाएंगे लाइक आर्चिगोनियोफोर नाम हो सकता है, ओवम नाम हो सकता है और बहुत सारे, ठीक है जी, ओओस्फियर नाम हो सकता है। तो ये इनको हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स, या हम इस तरह मैं चलो ओवा लिख देता हूँ। फिर ये दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा और वो एक नई स्पोरोफाइट का। तो गैमेटोफाइट गिविंग राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिविंग राइज टू गैमेटोफाइट। तो ये बेसिकली डिप्लोहैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल की मैंने आपको दोबारा से एक बनाई है। अब वही सारे लाइफ साइकिल को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे इन इन प्लांट्स के अंदर। देखें कुछ चीज़ों के नाम बदल जाएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों की स्ट्रक्चर बदल जाएगी, कुछ सेल्स कहीं और प्रोड्यूस हो रहे थे ब्रायोफाइट्स में, अब वो कहीं और प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। कुछ जो चीज यानी थोड़ा बहुत फर्क आता जाएगा, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि व्हाट इज दिस। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरू करेंगे वहीं से, वो दैट वाज दी पाइनस का जो दरख्त है, ठीक है, ट्री है, और वो बेसिकली है स्पोरोफाइट जनरेशन और वो डिप्लॉयड है। अब अंडरस्टूड हो गया, ये दरख्त है, मैंने अभी आपको बताया इसके ऊपर लगती हैं कॉन्स, कुछ मेल कॉन्स होती हैं कुछ फीमेल कॉन्स होती हैं। तो अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो इसके अंदर क्या होंगी, माइक्रो स्पोरोफिल। अब देखें ये चीज नई आ गई है, ऐसे है ना, उनमें तो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते थे, अब इनमें ये कॉन्स आ गई, तो इनको हम आम जुबान में माइक्रोस्पोर एंजिया भी कह देते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट वी से माइक्रो स्पोरोफिल्स, यानी मेल कॉन्स, क्या कहेंगे, मेल कॉन्स।
और जो दूसरी चीज होती है दे आर द मेगा स्पोरोफिल्स, या वहां पे लफ्ज कभी कभार आप पढ़ते हैं मैक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रो और मैक्रो, फीमेल मेल माइक्रो और फीमेल मैक्रो, पर यहां पे हम मेगा स्पोरोफिल का उसको नाम दे देते हैं। सही है जी, ये जो माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल्स है मैंने अभी आपको बताया कि दे आर द मेल एंड फीमेल कोन्स, और ये जो मेल एंड फीमेल को, अच्छा ये क्या हो जाएंगी जी, ये फीमेल कोन्स है। अच्छा जो मेल कोन्स हैं इनमें ऑब्वियसली ये कोन्स हैं इनके अंदर मदर सेल्स होंगे हैं, तो वो इनके अंदर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या कहते हैं जी, और ये डिप्लॉयड होते हैं ऑब्वियसली। सही है, इसी तरह इनके अंदर होंगे वो क्या होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल्स, और ये भी डिप्लॉयड होंगे हैं। ये सेल्स भी मियोसिस करेंगे तो हम कहेंगे जनाब ये इन्होंने मियोसिस कर दिया, और ये सेल्स भी मियोसिस करेंगे तो ऑब्वियसली, समझ रहे हैं ना आप बात को, देखें जी यही था ना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मियोसिस करती है, स्पोर्स बनते हैं, तो यहां आप स्पोर्स बनाएंगे, इनको हम कहते हैं जी मेगा स्पोर्स, और ये होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि ये किससे बने हैं, मियोसिस की ओहो फिर से, ये हैप्लॉइड हैं क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। सही है, सिमिलरली माइक्रोस्पोर, किताब में ये गलत लिखा है के जी माइक्रोस्पोर जो है वो दोबारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना दिया गया है ना, देखी तो इट इज लाइक ये भी हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर है मैक्रो। अब देखें, अब आमतौर पे हमने यहां क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, लेकिन ये देखें सर जर्मिनेट कहां के नहीं, क्या ये जमीन पे जाके, नहीं, जो मेल कोन्स के मेल माइक्रोस्पोर होते हैं वो ऊपर से गिर जाते हैं और वो आ जाते हैं फीमेल जो कोन होती है उसके ऊपर, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन का प्रोसेस। उनमें है जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन की डेफिनेशन कुछ और तरह की है उसमें भी के मेल जो पोलन ग्रेन है, मेल जो माइक्रोस्पोर है, जो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, वो शिफ्ट हो जाए फीमेल को, फीमेल जो स्ट्रक्चर्स हैं जो जो कार्पल्स हैं उनके ऊपर, वो फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। यहाँ पे बस ये है कि वो मेल स्पोर फीमेल स्पोर तक ये मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, हाँ ये इसके साथ लिख दिया वो उसके साथ, दिस इज कॉल्ड, मुझे भी समझ आ गया ना कि ये क्यों बोल रही थी काकी, मेगा स्पोर और दिस इज व्हाट वी से द माइक्रो स्पोर, और ये भी है प्लांट, ये मेल और वो फीमेल, मैं इसके साथ लिख देता हूँ ताकि मुझे भूले ना। सही है जी, क्योंकि वो लाइंस को पीछे ज्यादा गौर नहीं, तो हम देखें इन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, हाँ ये शिफ्ट हो जाते हैं इनकी तरफ, और हम इसको इस तरह सिंपली बता, अच्छा जी सो ये पॉलिनेशन है, ठीक है, अब इससे दो चीजें बनेगी, पोलिनेशन हुई साथ ही जर्मिनेशन, समझ रहे हैं ना बात को, वो उधर आ गया और उधर से ग्रो करना शुरू कर दिए। सही है, तो अब आप गौर करें इससे दो चीजें बनेगी, अब आपको होता है एक बनेगा देखें फीमेल प्रोथेलस अलग और मेल प्रोथेलस अलग, बट मेल प्रोथेलस इज प्रेजेंट ऑन द बॉडीज ऑफ द फीमेल कोन, फीमेल कोन के अंदर है, तो इसको हम वेस्टिजियल लिख देते हैं कि वो जी वो एक तरह का नॉन फंक्शनल जिसको हम कहेंगे, तो दिस इज द फीमेल, इस साइड पे आ जाएगा तो वेस्टिजियल मेल प्रोथेलस, देखिए नाम बदल गया ना, वही स्ट्रक्चर जो एक ही थैलस था उसके ऊपर फीमेल और मेल पार्ट से, अब उसका नाम बदल दिया, तो दूसरा है दैट इज द फीमेल प्रोथेलस, इट इज द फीमेल वेस्टिजियल मेल प्रोथेलस, वेस्टिजियल मीन नॉन फंक्शनल बिकॉज इट इज प्रेजेंट उसके ऊपर ही तो है, समझ आ गई थी बात की। अब इन्होंने क्या बनाने, इन्होंने ऑब्वियसली हमें पता है स्पर्म्स और एग्स बनाने हैं और उनके नाम आर डिफरेंट, ऑब्वियसली जो फीमेल प्रोथेलस है उसके ऊपर होंगे आर्चिगोनिया, ऐसे ही है ना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और इसके ऊपर होंगे एंथ्रीडिया,
हैं, ये सेल्स बनाएंगे जिनको हम और है? क्या ऑब्वियसली ओ बिल्कुल, ये सारे ये भी हैप्लॉइड है, ये वेस्टिजियल मेल प्रोथेलस बेसिकली गैमेटोफाइट है, इट इज द गैमेटोफाइट, किसने बोला इट इज द गैमेटोफाइट जनरेशन, सही है, ये क्या है, और ये जो फीमेल, ये फीमेल प्रोथेलस है, ये मेल, ये फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, समझ आ गई, प्रोथेलस आर द गैमेटोफाइट जनरेशन, क्या तकलीफ है, सही है, तो ये क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है असल में, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और इनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हैं, सही है, ये दीज स्ट्रक्चर्स विल गिव राइट टू द मेल गैमीट्स विच विल, अब मैं लव्ज लिख देता हूं मेल गैमीट्स, अब वो उनका स्पेसिफिक नेम होगा यहां हम कहेंगे एंथ्रीडियल सेल्स, क्या होगा, यानी उनको हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियल सेल्स, ये हैप्लॉइड हैं और ये माइटोसिस से बने हैं क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड है तो है, और इनको हम जो होगा दे विल बी वो स्फीयर्स, क्या होगा, और ये भी हैप्लॉइड, समझ आ गई बात। अब अगली गल आपको अच्छी तरह पता है कि जनाब ये दोनों मिल जाएंगे प्रोसेस इसी, ये फीमेल कौन के ऊपर बात हो रही है सारी, ठीक है, तो हम कहेंगे जी ये बन जाएगा क्या, जाइगोट शरीफ, ये डिप्लॉइड होगा क्योंकि हैप्लॉइड ये था, हैप्लॉइड ये, तो भी दोनों मिलके क्या बन गया, डिप्लॉइड, एंड दैट विल गिव राइज टू अगेन दिस प्लांट है, तो इसको हम कहते हैं द जेम्नोस्पर्म, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है ना, अगर आप गौर करें तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब इसका और उसका जो कल हमने पढ़ा था उसका क्या फर्क था, उसमें एक ही तरह के स्पोर्स थे, इसमें दो डिफरेंट तरह, उसमें एक ही बॉडी के ऊपर स्पोर बनते थे, इसमें दो डिफरेंट तरह की कोन्स हैं पहले, और वो कोन्स के अंदर फिर आगे स्पोर मदर सेल्स हैं और वो सारे बनते हैं, ठीक है जी, इसी तरह उसमें पॉलिनेशन का, क्योंकि स्पोर एक ही तरह के थे, पॉलिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें है, देन आगे बाकी चीज़ों के कुछ नाम बदले हैं, तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें।